सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ और आज किचन का काम चल रहा है, तो अभी सारा का सारा सामान इधर उधर हो गया है, तो मुझे काफ़ी मतलब कि आज टाइम नहीं मिलेगा बात करने का, हो सकता है कि। तो चलो फिर करवाता हूँ, थोड़ा किचन का काम है अभी, देन फिर आपसे बात करता हूँ। जैसे ही मैंने अपने क्लाउड किचन को स्टार्ट किया, वैसे ही मेरे पास ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए। होली के दिन काफी सारे न्यू कस्टमर्स मेरे साथ ज्वाइन हुए थे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे यहाँ से ऑर्डर प्लेस किया था और उन्हें खाना बहुत अच्छा लगा। तो आज दोबारा एक कस्टमर ने मेरे यहाँ से ऑर्डर प्लेस किया। यह ऑर्डर था आपका चीज पिज्जा का और चीज गार्लिक ब्रेड का। होली के दिन जो सबसे ज्यादा ऑर्डर्स मेरे पास आए थे वो आए थे मेरे खुद के लोकेशन के पास से। सारे के सारे ऑर्डर्स 1 किलोमीटर के अंदर के रेडियस के ही थे। ये एक बहुत अच्छी चीज हुई, एक तरीके से मेरा एडवर्टीजमेंट ही हो गया होली के दिन, कि लोगों को पता चला कि भाई हाँ एक आउटलेट है जो हमारे घर के पास में है, और उनको टेस्ट भी काफी अच्छा लगा। उनमें से काफी सारे मेरे रिपीटेड कस्टमर्स भी थे और काफी न्यू कस्टमर्स मेरे साथ ज्वाइन हुए। होली के दिन मुझे पता था कि ऑर्डर्स आएंगे, बट इतने ज्यादा आएंगे ये नहीं पता था, तो मैंने पहले ही स्टॉक में सामान रखा था, बट वो सामान भी खत्म हो गया, तो मैं दोबारा जाके फिर से सामान लेके आया था। कस्टमर ने यहाँ पे मेंशन किया था कि चीज पिज्जा में और गार्लिक ब्रेड में उन्हें एक्स्ट्रा चीज चाहिए। अब इसमें गलती ये हो गई थी कि गलती से थोड़ा सा जो मेरा बेस था वो हार्ड हो गया था, क्योंकि मैंने इसे ज्यादा थोड़ा बेक कर दिया था, जिसकी वजह से कस्टमर ने मुझे इस पे 4 स्टार की रेटिंग दी। बट स्पेशली इस कस्टमर ने मुझे कॉल करके ये चीज बोली कि आपका जो बेस था वो थोड़ा सा हार्ड हो गया था, बट गार्लिक ब्रेड बहुत ही ज्यादा चीजी था। उस ऑर्डर के बाद मुझे आ गया ये 2 मिस्टर पतलू बर्गर के ऑर्डर। ये कस्टमर भी मेरे रिपीटेड कस्टमर है, इन्होंने काफी बार मिस्टर पतलू बर्गर ऑर्डर किया है। इनको मेरे यहाँ का बर्गर काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। इन्होंने मुझसे कॉल करके बोला कि आप मिस्टर पतलू बर्गर की जगह आप उसे तंदूरी बर्गर में कन्वर्ट कर दो, बाकी आपका जो भी एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो मैं आपको दे दूंगा। आजकल मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, क्योंकि घर में वुडन का काम भी चल रहा है और साथ ही साथ में मुझे ऑर्डर भी देना पड़ता है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक हेल्पर को रख लेता हूँ, क्योंकि अब ऑर्डर्स भी काफी ज्यादा मेरे पास आने लगे हैं। ऐसे में सारा कुछ अकेले मैनेज करना हो नहीं पा रहा है। फटाफट से मैंने इस ऑर्डर को पैक कर दिया और उसके ऊपर मेंशन कर दिया कि कौन सा तंदूरी बर्गर है, क्योंकि कस्टमर ने बोला था कि आप मेंशन कर देना उस पे। तो फटाफट से ऑर्डर को रेडी करने के बाद मैं चला गया इसे राइडर को हैंड ओवर करने। आपसे बात करने यार बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी था मैं और साथ में काम भी चल रहा था वुडन का ऊपर वाला, और मतलब ऊपर वाले में खाना भी नहीं बना। आज मैंने खाना तक नहीं खाया है दिन का, ऐसी नॉर्मल कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत जो था वो पहले का गुजिया वगैरह वही हम सब ने खाई है, कोई खाना था नहीं और काम बहुत ज़्यादा था, और साथ में मेरा 12 ऑर्डर भी यार था, तो उसकी वजह से भी भाई मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिला। आज मैंने बिल्कुल वीडियो शूट नहीं कर पाया, ना आपसे बात कर पाया। अभी रात के 10 बज रहे हैं, तो मुझे थोड़ा टाइम मिला है, तो अभी मैं कर रहा हूँ आपसे बात। बाकी मैं नहाने जाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया हूँ। अभी पूरी सफाई की मैंने ऊपर वाले फ्लोर की, तो अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, थोड़ा फ्रेश होता हूँ, देन फिर आपके पास आता हूँ। अभी क्लाउड किचन थोड़ी देर के लिए मैं ऑफ करूंगा, क्योंकि हालत नहीं है अब चलाने के लिए, थोड़ा ऑफ करूंगा, देन थोड़ा रेस्ट करूंगा, देन उसके बाद स्टार्ट करते हैं, देन फिर आपसे बात करता हूँ। मैंने क्लाउड किचन को जैसे ही ऑन किया, उसके बाद मेरे पास ये स्पाइसी पनीर पिज्जा का ऑर्डर आ गया। यही होता है यार, जब तक आप अपने सेफ जोन से बाहर नहीं निकलते ना, तब तक आपको पता नहीं चलता है कि आखिर मेहनत है क्या चीज। मैंने पेटीएम में कंटिन्यूअसली 6 साल जॉब की, फिर एक दिन ऐसा लगा कि यार मैं आखिर मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। सब कुछ सही चल रहा था, प्रोफाइल भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बट फिर भी पता नहीं अंदर से जो होता है ना सेटिस्फेक्शन, वो नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन बैठ के मैं यही सोच रहा था कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। अब हमेशा से मेरा यही था कि मुझे एक बिजनेस करना है, पर क्या करना है ये समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे किसी फ्रेंड ने बोला कि यार तू क्लाउड किचन क्यों नहीं कर रहा है, तो पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्लाउड किचन आखिर है क्या चीज। और मैंने सोचा था कि कभी ना कभी लाइफ में एक बार तो जरूर रेस्टोरेंट तो खोलना है मुझे। अब गूगल पे जाके देखा तो वहां पे लिखा हुआ था कि इसके लिए आपको फसाई लाइसेंस चाहिए होता है। तो बस फिर क्या था, मैंने फसाई लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, और पता नहीं कैसे फसाई लाइसेंस मेरा बन के आ भी गया। मैंने ऐसे ही अप्लाई कर दिया था कि मैंने सोचा था कि चलो यार देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मुझे अभी इस क्लाउड किचन के थीम के बारे में पता नहीं था कि आखिर में होता कैसे है, कैसे काम करता है, जोमेटो स्विगी से कैसे लिंक करते हैं, कुछ भी नहीं आइडिया था मुझे इस चीज का। बस अब यही हो रहा था कि फ्लो में मुझे जो भी चीजें दिख थी बस मैं वो फॉलो करते जा रहा था। और ये मैं फॉलो क्यों कर रहा था, क्योंकि मैंने अपने जॉब से रिजाइन दे दिया था। रिजाइन देने से पहले मैंने ये सोचा था कि मेरा दिमाग अभी जॉब में लगा पड़ा है, तो मुझे सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है कि मुझे क्या करना है। तो मुझे लगा पहले मैं इस चीज से फ्री होता हूँ, रिजाइन देता हूँ, देन फिर सोचूंगा आराम से कि मुझे करना क्या है। अब रिजाइन दे दिया तो दिमाग और खराब, अब समझ ही नहीं आ रहा कि भाई आखिर में मुझे करना क्या है। अब टेंशन इस चीज की कि पैसे कहाँ से आएंगे, फाइनेंशियली कैसे इंडिपेंडेंट बनना है, अब घर कैसे चलाना है। अब ये सारी चीजें मेरे दिमाग में घूम रही थी और मुझे अब बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर अब मुझे करना क्या है भाई। बट कहते हैं ना कि जब एक तरफ से रास्ता बंद हो जाता है तो आपके लिए दूसरे रास्ते खुल जाते हैं। मैं जो फ्लो में अप्लाई कर रहा था सारा लाइसेंस वगैरह, मुझे नहीं पता था कि आज की डेट में वो इस तरीके से मेरे लिए चीजें काम करेगी। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं कोई यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊंगा और मैं क्लाउड किचन ओपन करूंगा। मैंने पिछले साल अक्टूबर नवंबर के टाइम ही रिजाइन दे दिया था
और उसके बाद से मैं लग गया था इस क्लाउड किचन के काम में। और आज की डेट पे आप देख ही रहे हैं कि ये किस तरीके से चल रहा है। मेरा यही मानना है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होती है वो किसी अच्छे के लिए ही होती है, तो अपना कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। हाँ धोखे, जैसे ही आया मैं, इतने सारे ऑर्डर्स आ गए यार मेरे पास कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और बॉक्स सारे खत्म हो गए थे, फिर मुझे दोबारा से बॉक्स बनाना पड़ रहा है। ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स आ रहे हैं और कल के बाद से तो और ज़्यादा ऑर्डर्स आने लग गए हैं, क्योंकि कल बहुत सारे लोग जो थे वो न्यू, मतलब काफ़ी न्यू लोगों ने मतलब मेरे यहाँ से ऑर्डर प्लेस किया था, तो उनको टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा, रेटिंग वगैरह भी अच्छी मिली मुझे कल। मतलब किसी ने ख़राब रेट नहीं किया, या तो मतलब लोगों ने रेट नहीं किया, और किया है जिन लोगों ने तो उसने 5 स्टार की ही रेटिंग की है। और आज भी मुझे अच्छे रेटिंग मिले हैं, 4 स्टार के मिले हैं, 5 स्टार के मिले हैं, तो काफ़ी अच्छे अच्छे रेटिंग मिली है। तो बाकी बहुत थक गया और बहुत पैरों में दर्द हो रहा है, ये सारे बॉक्सेस वगैरह मैंने बना दिए, अब इससे हो जाएगा काम। बाकी रिफ़िल भी कर दिया मैंने अभी, मेरे पर लिक्विड जो चीज़ था वो ख़त्म हो गया था, रिफ़िल कर दिया मैंने, अब ये भी इतना ही बचा है, बाकी 2 पैकेट और बचे अभी, तो अच्छा वो मैंने मंगा दिया था पूरे स्टॉक में। तो चलो फिर फटाफट से जरा साफ सफाई करता हूँ, मैं बहुत लेट भी हो चुका है अब। तो चलो गाइस फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया अब, मैं वीडियो वगैरह एडिट करूँगा। आज काफ़ी ज़्यादा थक गया यार, क्योंकि घर में काम भी चल रहा था, और क्योंकि आपको पता है वुडन का काम भी चल रहा है, तो उससे बहुत मतलब कि ना थोड़ा गंदा हो गया था घर, तो साफ़ सफाई हो रही थी उस चीज़ की भी। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो आप वो जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी, तो आप जाके यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें, ओके बाय।